अगला पॉइंट है हमारा सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करें कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो वो सर्टेन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए. और दूसरी, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए. मैम जैसे कि क्या कहना चाह रही हो आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, एक तो वो क्या होना चाहिए? सर्टेन. और दूसरी, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. दो पॉइंट मैं बताती हूँ, दोनों को एनालिसिस कराऊँ, कैसे सर्टेन कैसे पॉसिबल. तो चलो दोनों पॉइंट को एनालिसिस करते हैं, सर्टेनिटी भी को भी और दूसरी पॉसिबिलिटी को भी. पहले सर्टेनिटी देखें. सर्टेनिटी पॉइंट क्या कहता है? सर्टेनिटी पॉइंट देखिए क्या कहता है. मान के चलिए मिस्टर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ए बोल रहा है मैं अपने घोड़े सेल करूंगा तुम्हें, मैं अपने घोड़े बेचूंगा, और बी कह रहा है मैं तुम्हारे घोड़े खरीदूंगा. हाँ जी भाई और बहनों, क्या मतलब? सिंपल मैम, क्या कहना चाह रही हो? ए ने बोला मेरे पास जितने घोड़े ना मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, बेच दूंगा, और बी कह रहे जितने घोड़े मैं खरीद लूंगा. एक्चुअल में जो घोड़े हैं ना वो पता ही नहीं है कितने हैं. नहीं समझ में आ रहे? एक है, दो हैं, दस हैं, बीस हैं, पता तो होने चाहिए ना. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं है, सर्टेन. 10 किलो दे देंगे या 20 किलो सामान दे देंगे, 10 या 20, इट मीन्स सर्टेन नहीं है, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होना चाहिए. किस तरीके से पॉसिबल होना चाहिए? हमने आपसे बोला एक काम करते, एक कॉन्ट्रैक्ट करते, हम आपको ना एक साल में सीएस कंप्लीट, सीधा वो सीट का एग्जाम दो और बस सीएस बन गए. 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे बस, 1000 रुपीज़ खर्च करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, दैट्स इट, ओवर एंड आउट. अब बताओ इसके लिए हम एक मोटी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबिलिटी है? तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इम्पॉसिबल. चलो तो हम आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, चांद पे घूमने चलते हैं, घूम के आएंगे, इज इट पॉसिबल? तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होने चाहिए? पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस देने की. इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं. बहुत अच्छे, यहाँ आके हमने कंप्लीट किए अपने 3C. मैम मैम हमें तो पता ही नहीं, पार्ट वन में मैंने कहीं ना कहीं यही बताया था. पार्ट वन की अगर हम डिस्कशन करें तो हमने कहीं ना कहीं यही समझा था. हम पढ़ रहे थे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या पढ़ रहे थे? उसमें हमें याद करने की टेक्निक थी 3C 3LFA. क्या था? 3C 3LFA. सेक्शन था हमारा 10. और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या हो जाएगा? और काम हो जाएगा टन टना टन. क्या हो जाएगा? टन टना टन. ओके मैम, 3C में आपने कितने सी करा दिए? भैया मैंने 3 सी करा दिए हैं. हाँ सच्ची में ये 3 सी कंप्लीट हो चुके हैं. पहला सी अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप मुझे बताओगे. बताइए पहला सी क्या है? कंसेंशियस एड आइडम. क्या बोला मैंने? कंसेंशियस एड आइडम. मैम ये शब्द तो हमने आज से पहले सुना ही नहीं, ना 12th में ना कभी, अब पहली बार सुन रहे हैं. व्हाट डू मीन बाय कंसेंशियस एड आइडम? बोले तो मीटिंग ऑफ माइंड. और अब एक लाइन में बता दो मीटिंग ऑफ माइंड कैसे बोलते हैं? सेम इज कॉमन थिंग सेंस टाइम. पहले पार्ट में बहुत अच्छे से एनालाइज किया. नंबर टू बता दीजिए मैम, नंबर टू क्या है हमारा? नंबर टू है हमारा कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी. जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए. एवरी पर्सन, आहा क्या आया यहाँ पे, एवरी पर्सन. व्हाट आई मीन बाय पर्सन हियर? आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. हु इज ऑफ साउंड माइंड? नंबर टू मेजर. नंबर थ्री नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. नंबर थ्री हमारा था सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्या हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? बताइए क्या हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? चलिए तो बढ़ते हैं, आगे चलते हैं. अगला टॉपिक हम लोग करेंगे 3L. अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे 3L. 3L में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट L लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट नंबर 3L.
लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज ओके। इट मीन्स 3 LMM। फर्स्ट एल इज लॉफुल कंसिडरेशन, सेकेंड वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। मैम पहले बताइए लीगल फॉर्मेलिटी किसे बोलते हैं? लीगल फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं? बोथ पार्टी, एटलीस्ट देयर आर टू पार्टीज होनी चाहिए, और जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट में दो पार्टी होनी चाहिए, टू पार्टीज। कौन कौन? एक बायर दूसरा सेलर। इट मीन्स एटलीस्ट दो पार्टी होना ज़रूरी है। नंबर टू, नंबर टू, इससे मैं दो चीज़ें सिखाऊंगी। एक बोलते हैं ना एक तीर से दो वो करने, क्या दो निशाने, वही होगा इससे। एग्रीमेंट उसके बाद स्टैम्प्ड होना चाहिए। मैम एग्रीमेंट स्टैम्प्ड क्यों होना चाहिए प्लीज़ बताइए ना, इसका भी लॉजिकली आंसर दूंगी मैं आपको। और स्टैम्प किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैम्प एक्ट। किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैम्प एक्ट। ओके, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसी के साथ हमने कहा स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए? इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। ओके मैम समझ में आ गया। आगे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। नोटरी होनी चाहिए एज पर नोटेरियल एक्ट। रजिस्ट्रेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? एज पर नोटेरियल एक्ट। इट मीन्स यहाँ पे हमने एग्रीमेंट की बात करी, तो एग्रीमेंट में कितनी पार्टी होनी चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए। मैम स्टैम्प्ड होना चाहिए एज पर स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्री होनी चाहिए एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, नोटरी होनी चाहिए एज पर नोटेरियल एक्ट। मैम एक बात बताओ, सीधी सीधी बताओ, आपने बोला लीगल फॉर्मेलिटीज, क्या बोला? लीगल, क्या बोला? लीगल फॉर्मेलिटीज। ओके सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, हालांकि मुझे इस लेवल पे आपका, ये तो आपका फर्स्ट लेवल एंट्रेंस लेवल है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे मुझे इसका लॉजिक नहीं देना चाहिए, पर मैं लॉजिक दूं या नहीं दूं आप बताइए। क्या आपको लॉजिकली पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए? मैं इसका लॉजिक आपके सामने रखती हूं। एज पर नोटेरियल एक्ट नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। अभी मैंने बोला था ना एक तीर से क्या करने हैं? दो निशाने करने हैं। यहां एक तीर से दो निशाने होंगे, कैसे? देखिए, देखते रहिए। हमने कहा मैम ये जो स्टैम्पिंग होती है, ये स्टैम्पिंग क्यों होती है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी हमें क्यों देनी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर स्टैम्पिंग देनी है तो कहाँ कहाँ स्टैम्पिंग और क्यों देनी पड़ती है? तो इसका ना एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्या नाम है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। और वो क्या कहता है उसकी बात समझिए। जब जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी के राइट क्रिएट करता है, लाइबिलिटी एक्सटेंड एक्सटिंग्विश करता है, तो तब तब आपको क्या करनी पड़ती है? स्टैम्पिंग करनी पड़ती है। मैम ये तो हमारे दिमाग से नहीं, समझ में ही नहीं आया, ऊपर से हो गया है, हम एंट्रेंस लेवल के बच्चे, हमें कहाँ समझ में आती है इतनी बातें। सुनो, आपके जब आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप सेकंड लेवल मतलब एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाओगे, देखिए एक अंतर समझाती हूँ, एक ऐसे टीचर से पढ़ने का जो आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाता है, जो आपको प्रोफेशनल में पढ़ाता है, तो मैम फाउंडेशन में उस टीचर से पढ़ने का क्या फायदा, बताओ क्या फायदा? क्योंकि जो पॉइंट आपका एग्जीक्यूटिव में होगा, वही पॉइंट अगर आपका उसका भी एडवांस वर्जन प्रोफेशनल में होगा, तो एक फाउंडेशन का बच्चा डिफरेंट बनेगा नहीं बनेगा? उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उससे चीजें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सुनिए ध्यान से, आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक एक्ट है इंडियन स्टैम्प एक्ट। कौन सा एक्ट है? इंडियन, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो ये कहता है कि जब भी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट राइट वगैरह क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है। 1899। अब देखिए सुनिए ध्यान से,
स्टैंप एक्ट के हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है, दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्री करानी है, और नोटेरियल एक्ट के तहत आपको नोटरी करानी है। ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी अदर एक्ट की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ेंगी? पूरी करनी पड़ेगी। मैम क्वेश्चन नंबर वन, अगर हम लीगल फॉर्मेलिटी पूरी ना करें तो, मान के चलिए हमने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी तो क्या होगा? अगर आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी तो सुनिए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैम लिख के बताओ। ओके लिखते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैम आप लीगल फॉर्मेलिटीज पढ़ा रही थी और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई। हाँ इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं, है ना? तो देखिए, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट एनफोर्सेबिलिटी सीज्ड। Due to some technical defect, enforceability is seized. जब किसी technical defect की वजह से enforceability क्या हो जाती है? Seize हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? Unenforceable contract. मैम enforceability का मतलब क्या? Means आपका जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं वापस ले लिया जाता है। आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? Unenforceable. अच्छा मैम एक बात बताइए, आप हमें पढ़ा रही हो लीगल फॉर्मेलिटी और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बता रही हो? अनएनफोर्सेबल। ऐसा मैम क्यों हो रहा है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ड्यू टू सम लीगल या हम बोल सकते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट एनफोर्सेबिलिटी सीज्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल डिफेक्ट हियर? टेक्निकल डिफेक्ट किसे बोला जाएगा? अगर टेक्निकल डिफेक्ट की हम बात करें तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं जो हमारा अदर लॉज हैं, अदर लॉज जैसे कि इंडियन स्टैंप एक्ट है, अदर लॉज जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अदर लॉज जैसे कि नोटेरियल एक्ट है, अगर कहीं ना कहीं इनकी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी नहीं करी, अदर लॉज की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अनएनफोर्सेबल। मैम क्या ये एनफोर्सेबल हो सकता है? येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अगर आप वो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? एनफोर्सेबल। मैम एग्जाम्पल देके बताना जरा। ओके मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो आपको रजिस्ट्रेशन कराना था या आपको स्टैंप ड्यूटी देनी थी। स्टैंप ड्यूटी आपको टोटल देनी थी 1000 रुपीज, आपने दी 500 रुपीज, या आपने स्टैंप ड्यूटी नहीं दी, स्टैंप ड्यूटी ही नहीं दी, या स्टैंप ड्यूटी दी तो कम दी, बताइए क्या टेक्निकल डिफेक्ट है या नहीं है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कैसे किया जा सकता है? इस टेक्निकल डिफेक्ट को बेटा ऐसे रिमूव किया जा सकता है, अगर आप स्टैंप ड्यूटी दे दो तो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। फिर तो मैम सब ऐसे ही कर लेंगे, पहले देंगे नहीं और बाद में दे देंगे। बेटा जी सुनो, ध्यान से सुनना, अगर आप टाइम पे स्टैंप ड्यूटी नहीं देते तो आपके ऊपर पेनल्टी के बाद स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, 10 times पेनल्टी लग सकती है। आर यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा डीप में तो नहीं जा रही ना, और जा भी रही तो पढ़ना ऐसे ही है। दिस इज द एक्चुअल थीम कि पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमने कहा क्या टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? हो सकता है तो मैम मैंने एग्जांपल दिया, स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी, स्टैम्प ड्यूटी दी विद पेनल्टी, 10 times पेनल्टी, टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हम एक तीर से क्या करेंगे, दो निशाने करेंगे। क्या हमने लीगल फॉर्मेलिटी पढ़ ली और क्या हमने अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया? बिल्कुल भैया। अब सुनिए ध्यान से, मैम आप ये तो बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा 3L, और मैम ये 3L क्या है? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 10 के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके हमने क्रक्स बनाया, उसकी हमने टेक्निक बनाई, और टेक्निक क्या है? 3C 3L FA। अब 3C हम स्लैब कंप्लीट कर चुके हैं,
थ्री एल में फर्स्ट एल हमने ऑप्ट किया लीगल फॉर्मेलिटी, और इसी से कनेक्ट करके मैंने आपको पढ़ा दिया अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सा बताया मैंने? एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्या होता है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? वेरी गुड। अगला मुद्दा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। मस्ट नॉट बी इलीगल और अनलॉफुल। ना तो इलीगल होना चाहिए और ना ही अनलॉफुल होना चाहिए। मैम कैसे? जैसे कि बता दीजिए, मैं समझाऊंगी, आप लिखो, आप लिखिए, फिर समझते हैं। चलें आगे मैम, जैसे कि आप एग्जाम्पल देके समझा दो लॉफुल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ, ठीक है? सपोज करो दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, और किस चीज़ का? कि चलो भैया एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें डकैती डालनी है, हमें लूटपाट करनी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बाद में शेयर कर लेंगे। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए आप कर रहे हो या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, देन लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन आपको लॉफुल मैनर में रिसीव करना है, तभी कंसिडरेशन अगर लॉफुल होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैम अभी जो आपने सिखाया वो क्या क्या सिखाया? इसमें मैंने सिखाया थ्री एल, थ्री एल, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल फॉर्मैलिटीज। ये सो नो, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और तीसरा लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटी में क्या पड़ा? एग्रीमेंट होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, उसी के साथ दोनों पार्टी को साइन करना है, स्टैंपिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, नोटरी होनी चाहिए। नहीं हुआ तो भैया एनफोर्सेबिलिटी सीज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या तीनों एल समझ में आ गए? समझ आ गया। ये स्लैब नंबर टू था, मतलब एक पार्ट वन में मैंने पढ़ाया था आपको, सी का पॉइंट पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स। ये हमने बताया क्या? 3L। अब हम तीसरी ओर चल रहे हैं, बचा क्या है? एफ और ए। मैम एक झलक दिखा दो, एक झलक दिखला जा। ओके, ये देखिए एक झलक देखो क्या है, 3C, 3L, FA। इट मीन्स हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स। तो पहले हमने पढ़े 3C, फिर हमने पढ़े 3L, अब हम क्या पढ़ेंगे? एफ और ए। दोनों कंप्लीट हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ेंगे FA। एक मिनट,